Hey, what's up guys, welcome back to my channel Prank Tak. Today I visit in Red Fort, New Delhi. I thought that I told you about Red Fort. तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दिल्ली लाल किला. दोस्तों ये दिल्ली लाल किला का मेन गेट है. अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस समय दिल्ली लाल किला जाने के लिए रास्ता कौन है. तो दोस्तों इस समय दिल्ली लाल किला का मेन गेट बंद है, इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे की ओर से घूम के दिल्ली लाल किला की ओर जा रहे हैं. तो हम लोग आ गए इस समय टिकट घर, जहाँ पे से टिकट मिलता है. तो दोस्तों अब हम लोग टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं. तो इस गेट से थोड़ा मेन गेट जाने अंदर की ओर जाने के लिए रास्ता थोड़ा लंबी है. तो दोस्तों ये देखिए आप दिल्ली लाल किला के चारों ओर की दीवार का व्यू, ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी लाल पत्थर यूज होके बना हुआ अच्छा लग रहा है. दोस्तों दिल्ली लाल किला की सुरक्षा हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बोले तो सिक्योरिटी हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है. सो दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं दिल्ली लाल किला की मेन गेट की ओर. तो हम लोग ये आ गए दिल्ली लाल किला की मेन गेट की ओर, यहाँ से एंट्री मिलती है. टिकट दोस्तों हम लोग ले चुके हैं, अब यहाँ पे हमारे लोग का टिकट देखा जाएगा, उसके बाद अंदर की ओर एंट्री मिलेगी. तो अब हम लोग अंदर की ओर एंट्री कर चुके हैं दोस्तों. ये अंदर की ओर जाने के लिए मेन गेट यही है, ये हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं. सो दोस्तों देखिए आप लोग दीवारों का व्यू. अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर की ओर, और अंदर की सभी इमारतें, संग्रहालय का व्यू. दोस्तों संग्रहालय का व्यू डालने से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सो मैं संग्रहालय के वीडियो अगले पार्ट में दिखा दूंगा. ये यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे. दोस्तों ये यहाँ पे मेन गेट से थोड़ा यहाँ पे मार्केट लगी रहती है. यहाँ पे पुराने खाद्य वस्त्र और पुराने राजा महाराजाओं के परंपरा के अनुसार जो वस्त्र या जो आभूषण, सब कुछ जो घरेलू यूज रोज़मर्रा के यूज के सभी सामान यहाँ पे मिलते हैं. दोस्तों ये थोड़ा मार्केट से हट के रहता है, ये एक पुरानी परंपराओं का दर्शाता है, और हाँ इसकी रेट थोड़ा हाई रहती है. यहाँ पे दोस्तों स्टॉल, पर्स, शॉल और आभूषण, ज्वेलर्स सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं. ये देखिए मेन व्यू, मेन गेट का व्यू. दोस्तों ये मेन गेट से घुसते ही मार्केट ये लगा रहता है, उसके बाद हम लोग मेन गेट से थोड़ा आगे की ओर आते हैं. तो दोस्तों जो अभी आप लोग देखें मार्केट, इसका नाम है छत्ता चौक. पहले के लोगों ने इसका नाम रखा था छत्ता चौक. अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है, जो चूँकि मैं भी पहली बार आया हूँ. तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे नवाद खाना, दीवान ए आम है, और संग्रहालय है, सलीमगढ़ है. तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो दोस्तों. तो मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कहीं भी जाऊँ घूमने तो खर्च तो लगते हैं. तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे मुमताज महल की ओर, और आप लोग को दिखाऊंगा मुमताज महल का फुल व्यू. ये हम लोग आ गए हैं मुमताज महल की ओर, मुमताज महल. तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे मुमताज महल में क्या कुछ खास हुआ, क्या है क्या, तो आप लोग देख लीजिए. मुमताज महल हमारे यही मुमताज महल है, इसकी पेंटिंग देखिए कितना अच्छा है, और पत्थर का रोटेशन देखिए, ऊपर जो रोटेट रोटेट लगा हुआ है ये सब पत्थर हैं. अब हम लोग और आगे की ओर चलेंगे, और आगे दीवान ए खास, दीवान ए खास इमारत का नाम है, उसको दिखाता हूँ आप लोगों को.
तो दोस्तों अभी हम लोग मुमताज महल के अंदर ही का व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए मुमताज महल के अंदर का व्यू। ये दोस्तों है दीवान ए खास। तो आओ चलते हैं पास से दिखाते हैं। ये दोस्तों दीवान ए खास का मेन दरवाज़ा है नीचे का। चूँकि हर जगह जाने के अलाउ नहीं है तो हम लोग ऊपर से ही आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दीवान ए खास, देखो नीचे का दरवाज़ा बंद है। ज़रूर ही इसमें कुछ खास होगा नीचे, पर नीचे जाने का अलाउ नहीं है। दरवाजे में लॉक भी लगा हुआ है। दोस्तों ये इमारत का नाम है खास मंडल, खास मंडल। अब हम लोग और आगे की ओर जाएंगे और अब दिखाऊंगा आप लोगों को रंग महल। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो लगातार, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हम लोग अब आ गए हैं रंग महल की ओर। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ये अभी ये जो दिख रहा है ये है रंग महल। रंग महल का व्यू कुछ इस तरह है, आप लोग देखिए। और इसमें आप लोग कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे भी बताइए। रंग महल की पत्थरें देखिए कितना अच्छा है। और हाँ इसकी बनावट शायद ही अब कोई बना पाए। देखिए इसका डिजाइन शायद ही अब कोई मिस्त्री हो जो इसको बना सके। ऊपर का रूफ देखिए, दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। और ये जो इमारत दिख रहा है इसका नाम है मस्जिद। तो दोस्तों लाल किले में रहने वाले सभी लोगों का मस्जिद यही था। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और बहुत सी इमारतें दिखाएंगे। और हाँ वीडियो में ऐसे ही बने रहो, इसके बाद वीडियो आएगा तो दोस्तों उस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। संग्रहालय की व्यू दिखाऊंगा। संग्रहालय में दोस्तों हमारे सभी नेताओं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, आज़ाद भगत सिंह जी और सभी नेताओं का कुछ न कुछ यादगार चीज़ें रखी हैं। मैं चल के उस सभी यादगार चीज़ों का आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों उसमें जैसे महात्मा गांधी जी की अभी चरखी रखी हुई है और महात्मा गांधी जी की जो गाड़ी यूज करते थे वो रखी है। सुभाष चंद्र बोस जी का टोपी रखी हुई है और सुभाष चंद्र बोस जी का पिस्टल रखा है। तो दोस्तों अब बहुत कुछ चीज़ें मैं चल के आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहना। और हाँ उसका वीडियो इसके बाद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों हमारे लाल किला का ग्राउंड कुछ इस तरह दिखता है। और जो सामने दिख रहा है ये हमारा संग्रहालय है। तो संग्रहालय का वीडियो मैं अगले पार्ट में डाल दूंगा। और हाँ संग्रहालय का वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक आपके लिए होगी।
दोस्तों जो अभी आप लोग देखें ये हमारा था सावन और भादव मंडल, और ये है हमारा भादव मंडल। जफर महल। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है हमारा ये सावन मंडल है, इसके पीछे वाला जो देखें वो भादव मंडल था। तो दोस्तों ये हमारे जो इमारतें इनका नाम रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें आप लोगों को संग्रहालय में रखी सभी सभी चीज़ों का लाइव व्यू दिखाऊंगा।